हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। आप फर्स्ट लेक्चर को सुनने के बाद ही सेकंड का लेक्चर सुनना, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। हम सर्कुलर मोशन के एक्सीलरेशन को डिस्कस कर रहे थे। देखिए, अगर किसी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया, स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सीलरेशन होगा। कौन सा? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, जिसको कि हम ए आर से लिखेंगे, और ये होता है वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ये हो गया यूसीएम में। और नॉन यूसीएम यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें जो सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होगा, एक तो सेंटर की तरफ ए आर और दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। जब आपसे नेट एक्सीलरेशन पूछा जाए तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर करेंगे, ठीक। यहाँ पर केवल एक ही एक्सीलरेशन, रेडियल, नॉर्मल या सेंट्रीपेटल, यहाँ दो टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ स्पीड भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, स्पीड चेंज होगी, ओके। और तो दो दो एक्सीलरेशन है, ये दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है। जब भी नेट एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो इनका 90 डिग्री पर होने की वजह से पाइथागोरस लगाकर और नेट रिजल्टेंट निकाल लेना, या वेक्टर की इक्वेशन समझ लें। इसमें एक एक्सीलरेशन और होता है, वो कौन सा है? एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसे हम अल्फा से लिखते हैं, और ये होगा डी ओमेगा वाई डी टी, ठीक। हमने इसके डायरेक्शन के बारे में आपको कल डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अल्फा क्लॉकवाइज होगा, यानी कि डाउनवर्ड होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ओके। जिस तरफ ओमेगा होगा उसी तरफ डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा भी अपवर्ड होगा, ठीक। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अल्फा डाउनवर्ड होगा, जैसा कि लीनियर एक्सीलरेशन में होता है, ठीक है ना। तो जरा एक पॉइंट वहां पर नीचे नोट कर दें, जो आपने ये लिखे हैं फार्मूले, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि अल्फा, यहाँ नोट कर लें, अल्फा डी ओमेगा वाई डी टी है। जैसे आपने लीनियर एक्सीलरेशन में देखा था ना कि ए इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर लीनियर का दिखा रहे हैं, ए होगा डी बी वाई डी टी, इसी का दूसरा फार्मूला था डी बी वाई डी एस इंटू डी एस वाई डी टी, चैन रूल लगाया है, डी एस वाई डी टी वेलोसिटी हो गया और ये डी बी वाई डी एस हो गया, ये भी लीनियर में आता है। बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर में भी बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर डी थीटा वाई डी टी, तो अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, ओमेगा और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये भी फार्मूला है, जैसे लिनियर में वैसे एंगुलर में भी, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लेना। अब आप नीचे यहाँ पर जरा एक पॉइंट हमारा नोट कर दें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लिखे इफ़ पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉक वाइज, इफ पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉक वाइज एंड स्पीड, इफ पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉक वाइज एंड एंगुलर वेलोसिटी लिखना, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी पार्टिकल एंटी क्लॉक वाइज रिवॉल्व कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। नोट करें, इफ पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉक वाइज एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा लिखें, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज डायरेक्टेड अपवर्ड, इज डायरेक्टेड अपवर्ड। इफ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, देन अल्फा डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तब अल्फा का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन में होता है, कल के हमने लास्ट लेक्चर में इसको ठीक से डिस्कस किया था, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन में है वैसे ही यहाँ पर भी है, कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो अभी तक क्वांटिटी पढ़ी है एंगुलर में,
वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल वेक्टर है तो स्मॉल क्वांटिटी है तो वेक्टर है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी और तीसरा क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो ध्यान रखना अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन में आपको देखना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा अपवर्ड होगा और अदरवाइज अल्फा डाउनवर्ड होगा। ठीक, अब यहाँ पर तीन क्वांटिटी जो आपने अभी पढ़ी हैं, एक थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये एंगुलर क्वांटिटी तीन पढ़ ली आपने। ठीक, ये सभी एक्सियल वेक्टर हैं, इनके जो डायरेक्शन होते हैं वो जैसे ये सर्कुलर, मान लीजिए ये सर्कुलर आपकी रिंग है, ये सर्किल बन रहा है। ठीक, और मेरे ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो इनके जो डायरेक्शन हैं वो ये एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, नीचे माइनस इन्फिनिटी से लगाकर ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक। एक ही बात है, हम एंटी क्लॉक बोले डायरेक्शन या कोई कह दे कि डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक, और अगर क्लॉकवाइज तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, अल्फा और थीटा और ओमेगा के लिए। अल्फा में आपको देखना पड़ेगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान दें, हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ी थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चार थी, हम यहाँ तीन ले रहे हैं केवल, टू ए एस। ये इक्वेशन कब लगती है, जब एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट हो, पहली कंडीशन। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि ये इक्वेशन एक्चुअली में वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर इनमें केवल ये चेकिंग करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव लगा दो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हैं तो माइनस साइन का यूज़ करें। जैसे कोई पार्टिकल इधर को जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यू भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ए नेगेटिव। बिल्कुल यही चीज़ सर्कुलर मोशन में यही इक्वेशन बनती है, और उनमें इनके साथ कैसे, जैसे एक लिख रहे हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर होगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, समझ गए होंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड, एस की जगह थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो बिल्कुल इसी की तरह ये हमारी लिनियर के लिए हैं और ये एंगुलर के लिए हैं। जैसे आपने वहाँ पर डेरिवेशन किए थे इनको कैलकुलस मेथड से, ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, क्लास में कराए जा सकते हैं, जैसे आपने वहाँ कैलकुलस मेथड से उनको ड्राइव किया था, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ भी ड्राइव कर सकते हैं अगर पेपर में पूछा जाए तो, विद थ्योरी लिखना। ओके, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, डी ओमेगा वाई डी टी, यहां पर लिखिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अल्फा है डी ओमेगा वाई डी टी, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डी टी, बिल्कुल डेरिवेशन के मेथड सेम है। अब लिमिट लगा दें, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, जब टाइम जीरो है यानी जब टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एट एनी टाइम वेलोसिटी टी पर, एट एनी टाइम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, समझ गए होंगे, बिल्कुल एक ही जैसा मेथड है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ओमेगा क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी, हमने ये भी लिख दिया है, चलो पूरा लिख दे, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम, चलो इंटीग्रेट कर दें, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट ओमेगा, और डी टी का टी, और अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो है तो इसलिए हमने यहाँ नोट नहीं किया, ये आपका बन गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन।
कब लगेगी? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड यूज होंगे, स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा जो है वो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी है। तो ये बन गया आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। अब आप सेकेंड इक्वेशन पर आए, सेकेंड इक्वेशन वहां ड्राइव करते थे कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल उसी मेथड से है ड्राइव, जिनको लिनियर में ड्राइव करना आता है वो वहां एंगुलर में भी इनको ड्राइव कर लेंगे बहुत आसानी से, एक ही जैसे मेथड हैं दोनों। तो जरा ध्यान देना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा वाई डी टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ओमेगा की वैल्यू पुट अप कर दें, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक। अब यहां पर डी थीटा, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट अप करें, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, यहां पर लिख देना बाई फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और यहां डी टी, ये डी टी नोट कर दिया, ठीक। अब डी टी का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। ये हम लोग ड्राइव कर रहे हैं जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ड्राइव किया था, बिल्कुल वही चीज है। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, यहां पर लिख देना इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक। चलिए डी थीटा का इंटीग्रेशन, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है और अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर, यहां लिख दे रहे ओमेगा नॉट एंड अल्फा कांस्टेंट, इसलिए इनको इंटीग्रेशन साइन से बाहर, अल्फा कांस्टेंट टी डी टी लोअर लिमिट में टाइम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर जीरो है, और एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी का मालूम होगा एक पावर इंक्रीज कर देंगे टू बनेगा और टू से डिवाइड, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पहले लीनियर वाली इक्वेशन सीखना उसके बाद ये सीखना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि मेथड वही है ड्राइव करने का। थर्ड मेथड भी आपको ध्यान होगा, स्ट्रिक्टली ध्यान रखें इक्वेशन कब यूज होंगी, जब एक्सीलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये हमने लिखा है इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, और ये लिखा ओमेगा नॉट एंड अल्फा कांस्टेंट, हेंस लिख दो चाहे टेक आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं। अगर क्लास में डेरिवेशन नहीं कराएं तो समझ के छोड़ देना, वैसे भी अगर आपको लीनियर में डेरिवेशन आता है तो आप कर ले जाएंगे डेरिवेशन को। तीसरी में आपको ध्यान होगा, हमने अभी चैन रूल से आपको इक्वेशन बता दी थी कि जो अल्फा है, चाहे आप फिर नोट कर सकते हैं, अल्फा आपका था डी ओमेगा वाई डी टी, इसे चैन रूल लगाएं डी ओमेगा वाई डी थीटा, और डी थीटा वाई डी टी, डी थीटा वाई डी टी को ओमेगा लिख दें, और ये बन गया डी ओमेगा वाई डी थीटा, सॉरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, अल्फा इंटीग्रेशन साइन से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जैसे u होती थी वैसे यहाँ ओमेगा नॉट है, एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट थीटा है तब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। चलिए इंटीग्रेट करिए, ओमेगा डी ओमेगा वेरिएबल है यहाँ, ओमेगा एक पावर इंक्रीज होगी यानी टू होगी, और डिवाइड कर दें टू से, ये ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट डालें अपर लिमिट लिखें, अल्फा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, हाफ अपर लिमिट डालें ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट डालें इज इक्वल टू अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा, हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। अदर फोर्थ इक्वेशन भी हो सकती है, ज़रूरत नहीं है उसकी ड्राइव करने की, बिल्कुल आप उसी तरह से कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे काइनेमेटिक्स की जो तीनों इक्वेशन आपने पढ़ी है वहाँ पर, उन सभी इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स की सभी इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन जब ही यूज होगी जब आपका एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम बैक आते हैं, हमने जो एक्सीलरेशन पढ़ा है उसमें एक तो आपका जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और दूसरा रेडियल है, रेडियल यानी कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है, ओके। तो जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, और आपका टेंजेंशियल क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। जरा एक दो पॉइंट और नोट कर लें, लिखिए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंजेस एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक। अब जरा यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट और नोट करें, अगर मान लीजिए दो एक्सीलरेशन आपने पढ़े, एक कौन सा टेंजेंशियल को at लिखा, क्या फार्मूला था, dv/dt, और दूसरा आपने रेडियल एक्सीलरेशन वो क्या है, v²/r, ठीक। पहला पॉइंट मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो है और रेडियल भी जीरो है, यानी कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ना टेंजेंशियल और ना रेडियल। ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि न तो उसकी स्पीड चेंज होगी और न उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये क्या क्या करता काम, रेडियल ये डायरेक्शन चेंज करता है, और ये क्या करता है टेंजेंशियल, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए देन मोशन इज यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन इफ at जीरो एंड ar भी जीरो। तो नीचे नोट करें यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और यूनिफॉर्म, ना वेलोसिटी चेंज ना स्पीड चेंज, बिल्कुल एक से सेम वेलोसिटी से जाएगा एक ही डायरेक्शन में। दूसरा अगर सेकंड पॉइंट, अगर रेडियल एक्सीलरेशन आपका जो है वो जीरो है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेंजेंशियल है, रेडियल जीरो है, रेडियल जीरो है इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो फिर मोशन स्ट्रेट लाइन है लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक, या डिक्रीज होगी। तो लिख दें इसमें रेक्टिलिनियर एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर एक्सीलरेटेड मोशन और डी एक्सीलरेटेड मोशन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्पीड चेंज होगी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो थर्ड में समझ गए ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर जीरो नहीं है तो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ar जीरो है, रेडियल जीरो है, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज, यानी रेक्टिलिनियर एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड मोशन, ओके। थर्ड केस में जो रेडियल एक्सीलरेशन है आपका वो जीरो नहीं है लेकिन टेंजेंशियल जीरो है, इसका मतलब टेंजेंशियल जीरो है तो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी, ओके। अब रेडियल लगेगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा, कौन सा मोशन होगा, UCM आप पढ़ चुके हैं, कल समझ गए होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी बनाया था स्टार्टिंग में डायग्राम। और अगर दोनों एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यानी ar भी नॉट इज इक्वल टू जीरो और at भी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ऐसी कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन UCM, समझ गए होंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम समझते हैं कि एक्सीलरेशन को आप अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन के केस में समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि सबसे पहले चेकिंग करना कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
ठीक है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाएं। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें दोनों एक्सीलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी और रेडियल भी, और साथ साथ एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी एक्ट करेगा। तो अच्छी तरह से एक्सीलरेशन, अब हम आप हेडिंग डालें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये डेरिवेशन है जो कि हमारे सिलेबस में है, और 11th में ध्यान रखना ये डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। ओके, तो हेडिंग डालें आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक, और बनाए डायग्राम। हमने एक पार्टिकल लिया जो कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, इसका सेंटर O है, P से पार्टिकल पहुंच गया Q पर, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर V1 है और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर V2 है, और ये एंगल थीटा है। डायग्राम बनाएं और प्रॉपर चैनल में डेरिवेशन करना है क्योंकि 11th के आपके सिलेबस में है और पूछा जाता है। ये जो हमने वेक्टर बनाए हैं तो ये दोनों वेक्टर जो हैं, ध्यान देना कि इनकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ हम यहाँ B1 को थोड़ा दूर लिख रहे हैं, ये PA और ये QB, ये लेंथ इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि B1 और B2 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनको V ले लिया लेट करके, ठीक है, और इसलिए इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। यानी जो हमने PA वेक्टर बनाया है और जो QB है, सॉरी QB जो वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे और ये स्पीड के बराबर होंगे, जो भी आपने स्केल यूज करेंगे स्केल के हिसाब से बनेंगे, ठीक। अब लिखना शुरू करें, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये पार्टिकल जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है उसका मास हमने स्मॉल m एज्यूम कर लिया। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड v, मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड v इन एंटी क्लॉक वाइज एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंटी क्लॉक वाइज है एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ एट एनी टाइम पार्टिकल बी एट पॉइंट पी, इसी समय पार्टिकल पी पर है और जो ओ पी है इसका वेक्टर आर वन वेक्टर है, ये आर मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, रेडियस होगा, और ये आर टू वेक्टर है, यानी OP हमारा R1 है। तो हमने ये लिखाया है कि आपका ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R विथ सेंटर O एट एनी टाइम पार्टिकल B एट पॉइंट P व्हेन OP इज इक्वल टू R1 लिखिए, एंड एट टाइम T प्लस डेल्टा T, यानी थोड़ा डेल्टा T टाइम इंक्रीज हो गया, पहले T था, T प्लस डेल्टा T, एंड एट एनी टाइम T प्लस डेल्टा T द पार्टिकल बी एट पॉइंट क्यू, अब पार्टिकल क्यू पर पहुंच गया, पार्टिकल बी एट पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू आर टू वैक्टर, चलिए दोनों वैक्टर ओ पी और ओ क्यू, थ्योरी में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू आर वन एट एनी टाइम टी एंड ओ क्यू इज इक्वल टू आर टू एट एनी टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ एंगल एज्यूम कर लिया हमने, लेट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा, ये वाला एंगल एज्यूम कर लिया, और आर वन और आर टू वेक्टर इन दोनों के मैग्नीट्यूड आर है, आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड आर ले लिया। नीचे लिखिए एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यहाँ थीटा ले लिया है हमने उसको, कोई बात नहीं। लिखिए लेट बी वन एंड बी टू, वेक्टर लगा देना बी वन बी टू पर, बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, लेट बी वन एंड बी टू बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड क्यू,
यानी P पर वेलोसिटी V1 और यहाँ वेलोसिटी V2। लेट V1 एंड V2 बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P एंड Q इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट डालकर निकलेगा। देखिए इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। वी वन एंड वी टू वेक्टर लगाना दोनों पर, वी वन एंड वी टू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पी ए एंड पी बी, ये लिखे हुए हैं पी ए एंड क्यू बी, सॉरी पी ए एंड क्यू बी वेक्टर लगा देना दोनों पर, पी ए एंड क्यू बी। सिंस पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड हेंस लेंथ ऑफ पी ए एंड क्यू बी विल बी इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल होंगी क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेंथ ऑफ पी ए एंड क्यू बी विल बी इक्वल। ओके नेक्स्ट पैरा में लिखें, इन यूसीएम वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग विद टाइम। इन यूसीएम वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग विद टाइम। दिस इंडिकेट्स दैट UCM is an example of accelerated motion। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब UCM is an example of accelerated motion। लिखिए in UCM वेलोसिटी वेक्टर is changing with time। This indicates that UCM is an example of accelerated motion। It always acts along the radius towards the center of circular path। It always acts along the radius towards the center of circular path। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें, अब मेन ये थियोरिटिकल पार्ट था, चेंज इन वेलोसिटी निकालें, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा बी, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन। ठीक, वेक्टर के डिफरेंस करने का हमने एक मेथड वहाँ पर बता रखा है। देखिए मान लीजिए ये वेलोसिटी आपकी वी वन है और ये वेलोसिटी वी टू है, ध्यान दें यहाँ पर, और ये एंगल जरा यहाँ चेक करें। देखिए जो ओ पी और ओ क्यू हैं, ओ पी और ओ क्यू, इनके बीच में एंगल थीटा है। वी वन ओ पी के परपेंडिकुलर है, वी टू ओ क्यू के परपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखें कि अगर दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो उनकी परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी होगा। ये बार बार हमने थ्योरी में बोला है, यानी कि ओ पी और ओ क्यू के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल वी वन और वी टू के बीच में होगा, तो यहाँ पर एंगल भी थीटा होगा। दूसरा, वेक्टर को डिफरेंस करने का एक मेथड, आप वेक्टर का डिफरेंस का लेक्चर देखें हमारा वेक्टर फोर्थ में, उसमें कई मेथड, दो तीन मेथड होते हैं डिफरेंस के, उसमें से एक मेथड है अगर बी टू माइनस बी वन है तो बी वन से बी टू की तरफ को लाइन खींचिए और एरो लगाइए बी जिधर माइनस है उससे जिधर पॉजिटिव है उस तरफ, यानी बी वन टू बी टू, और ये डेल्टा बी का डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर को डिफरेंस निकालने का मेथड है। ओके, वी टू माइनस वी वन, तो बी वन से वी टू को लाइन खींचें और उसमें एरो लगाएं बी वन से वी टू की तरफ, ये हमने लगा दिया है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक, यहाँ से दूसरी बात, एक ट्रेंगल यहाँ पर भी थीटा बन रहा है, इसकी भी ये दोनों साइड इक्वल है और उसकी भी दोनों साइड इक्वल है। ठीक, यहाँ उसमें कुछ नाम रख ले रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर ये लिया है आपका ये लेंथ पी क्यू, इसको हम डेल्टा एस एज्यूम कर ले रहे हैं, डेल्टा एस यहाँ डाल देना, डेल्टा एस लेंथ एज्यूम कर ली है। ओके, अब जरा ध्यान देना, ये जो आपने ट्रेंगल बनाया है यहाँ पर, इसको हम कुछ भी यहाँ ए बी सी वगैरह कुछ भी यहाँ पर नाम आप नोट कर लें, और चाहे डेस लगा के नोट कर लें, इसे ओ डेस, इसे बना ले रहे पी डेस और इसको बना ले रहे क्यू डेस। ठीक, तो ये दोनों ट्रेंगल, लिखिए ट्रेंगल पी ओ क्यू
एंड ट्रायंगल पी डैश ओ डैश क्यू डैश आर सिमिलर। ठीक, हेंस देखिए अब थीटा यहां पर क्या होगा, आर्क बाई रेडियस। देखिए थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये आर्क और ये रेडियस आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पेपरों में, इज इक्वल टू, अब यहां से थीटा लें क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी केबल मैग्नीट्यूड। ठीक, इससे क्या करना है आपको कि जो डेल्टा एस है उसमें अलग कर लें और एस को दूसरी साइड में लिए जाए, ये हम यहां से हटा दे रहे हैं। ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के डेरिवेशन का मेथड है जो कि 11th एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी रखनी है। यहां पर ध्यान दें, ये डेल्टा एस अपान डेल्टा टी से भी बाद में करते हैं डिवाइड, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू आर अपान वी, हमने आर को उस तरफ लिए गए, ठीक है ना। तो अब डेल्टा टी से डिवाइड करिए, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिवाइड बाई डेल्टा टी, चलिए डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये आर अपान वी इधर कर ले रहे हैं और डेल्टा वी अपान डेल्टा टी कर ले रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप यहाँ अगर चाहें तो, और फिर उसके बाद इसकी लिमिट ले लो और डी एस वाई डी टी ले लो जो कि डिफ्रेंशिएशन की जनरल मीनिंग होती है। देखिए ध्यान से, जो आपने ये लिखा है यहाँ पर नीचे नोट करें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, चलिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये लिमिट ले लिया, लिमिट लिखा है ये लिमिट, और यहां पर आर अपॉन वी, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसमें भी लिमिट लें और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जैसे कि काइनेमेटिक्स में सभी में करते हैं। ये हमारी क्वांटिटी कैलकुलस से डी एस वाई डी टी हो गई, डी एस वाई डी टी हमने वहाँ वो लिख दिया था आर अपॉन वी, ये हो गई डी वी वाई डी टी। ओके, डी एस वाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, ये आर अपॉन वी है, और डी वी वाई डी टी क्या होगा, एक्सीलरेशन, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाई आर, ये बन गया डेरिवेशन। वैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर पुटअप कर देंगे तो दूसरा बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। देखें यहां पर हमने जो a आपने ड्राइव किया है v स्क्वायर वाई आर, इसमें अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना, हमने यहाँ स्मॉल आर लिया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख दें तो यही फार्मूला बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, v की जगह आर ओमेगा डाल दें, आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें, आपने जो ये डेरिवेशन किया है इसमें केवल मैग्नीट्यूड निकल कर आया है, ठीक है। हम एक बार बहुत शॉर्ट में इसको फिर रिपीट करते हैं, आप डायग्राम की तरफ ध्यान दें, ये लिख दें वी स्क्वायर वाई आर, वी की जगह आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक, जरा डायग्राम की तरफ ध्यान दें, ये पार्टिकल एट एनी टाइम टी पर यहाँ था, टी पर, और ये कहाँ पर पहुँचा, टी प्लस डेल्टा टी पर, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है। ठीक, बी वन और बी टू जो वेलोसिटी वेक्टर हैं आपका, ये बी वन वेलोसिटी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे इसलिए इनकी लेंथ पी ए और क्यू बी सेम ली गई है, उससे एक ट्रायंगल बनाया, चेंज इन वेलोसिटी निकाला, उसका थीटा और इसका थीटा सेम होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, यहाँ से थीटा लिखें डेल्टा एस अपान आर यानी आर्क बाई रेडियस, और वहाँ से थीटा हुआ डेल्टा वी अपान वी, दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड करें, लिमिट लें और वैल्यू पुटअप कर दें, तो ए आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन है, और एक पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश करना, इसको हम जरा यहाँ समझाने की आपको कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी एट एनी इंस्टेंट वी वन इधर है और वी टू ये है, ठीक, ये बना लिया, और अभी बनाया था डेल्टा वी ये था,
इस पर ज़रा ध्यान देना, और ये एंगल हमने थीटा लिया था, ठीक। अब मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए है। ये हमारा सेंटर है, और एक तरह से ये ऐसे करके हमने रेड से बना दिया, ये आर्क बना रहा था यहाँ पर, ओके। अब थीटा को धीरे धीरे स्मॉल कीजिए, कम कीजिए, थीटा हो या डेल्टा थीटा, इसको कम कीजिए। तो ज़रा ध्यान देना, हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर हैं, जिससे आप यहाँ से क्लियर ऑब्जर्व कर सकें। आप देखिए ज़रा, ये हमने बनाया डायग्राम, तो यहाँ से आप क्लियर समझ में आ जाएगा, ये बड़ा बन गया डायग्राम, है ना। ये हमारा बी वन वैक्टर, और ये बी टू वैक्टर, ये थीटा, और ये आया था आपका डेल्टा वी, इससे समझ में आएगा। अब अगर थीटा को इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, डेल्टा वी का डायरेक्शन ये बना, ये पहले ये वाली लाइन थी, अब डेल्टा वी का डायरेक्शन ये बन गया, ठीक। और इस्तेमाल कीजिए, छोटा करते जाइए, और इस्तेमाल कीजिए, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन ये आ गया, और अगर इस्तेमाल करते जाएं तो डेल्टा वी ये बना, और बिल्कुल अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आ जाएंगे तो डेल्टा वी का डायरेक्शन टेंजेंट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, डेल्टा वी को हम इस्तेमाल थीटा को इस्तेमाल करते चले गए, चाहे दोनों तरफ से करें, चाहे एक साइड को डिक्रीज किया, डेल्टा वी से ये और इस्तेमाल हुआ, फिर ये टेंजेंट बन जाएगा। किसके टेंजेंट? वेलोसिटी के 90 डिग्री पर। इसका मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो ये है, ध्यान दें जरा थ्योरी पर, सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपकी ये बन रही है, और इसके अगर कोई चीज़ 90 डिग्री पर होगी तो ये बनेगा इस तरफ। इसका मतलब डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा, ठीक। तो जो डेल्टा वी का डायरेक्शन बन रहा है वो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर आएगा, अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखें, थीटा को इस्तेमाल करते गए, थीटा टेंस टू जीरो, तो ये ऑटोमेटिक आपका 90 बन जाएगा। इसका मतलब डेल्टा वी का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से 90 पर होगा, और डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वही सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन टूवर्ड्स सेंटर होगा। नोट करें, लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज सेम as that of delta v. When delta t decreases, time delta t को decrease कर रहे हैं, when delta t decreases, delta theta also decreases, due to which, या theta लिख दें, theta also decreases, due to which delta v becomes more and more perpendicular, ये delta v becomes more and more perpendicular to velocity vector. लिखें, डेल्टा वी वेक्टर लगा देना, डेल्टा वी पर बिकम्स मोर एंड मोर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो। जब बिल्कुल एट एनी इंस्टेंट पर देखेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर लगाएं डेल्टा वी पर, डेल्टा वी बिकम्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एकदम 90 पर आ जाएगा, ठीक। लिखिए, वेलोसिटी वेक्टर एट एन इंस्टेंट, हेंस लगा देना, हेंस वेलोसिटी वेक्टर एट एन इंस्टेंट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द, सॉरी डायरेक्ट लिखें, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब लिखें, हेंस डेल्टा वी वेक्टर लगाएं डेल्टा वी पर, एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होगा किसी भी सर्कुलर पाथ में, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होगा, और इसका ये 90 पर है डेल्टा वी, इसका मतलब डेल्टा वी अलोंग टूवर्ड्स सेंटर। नोट करें, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, हेंस डेल्टा वी एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब नेक्स्ट लाइन में नोट कर दें, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
रेडियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन मेनली करवाया है और ये बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसके पहले बताया कि दो दो एक्सीलरेशन है लीनियर में, टेंजेंशियल और सर्कुलर, और साथ साथ एंगुलर भी लगने लगेगा। ठीक, नेट एक्सीलरेशन निकालना सिखाया और ये डेरिवेशन आप 11th में ज़रूर तैयार कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।